नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नेताजी एक्सप्रेस के बारे में, जिसे कालका मेल ट्रेन भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से कालका हरियाणा के बीच पे डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसे कालका मेल ट्रेन भी कहा जाता है। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस में हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल कोलकाता से हर रोज़ चलती है कालका हरियाणा के लिए, और इसका ट्रेन नंबर है 12311। और नेताजी एक्सप्रेस जो है हावड़ा से कालका की जो दूरी है वो 29 घंटे 5 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 38 स्टेशंस हैं। 1714 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड लगभग 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। और ये जो ट्रेन है ICF कोचेज वाली ट्रेन है। वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में, तो नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हावड़ा जंक्शन स्टार्ट होती है। बाद में ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के धनबाद जंक्शन गोमो जंक्शन में पहुंचती है। फिर बिहार होते हुए ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली में पहुंचती है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ होते हुए ये कालका में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो इसमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो जनरल डिब्बों को छोड़कर बाकी सभी कोचेस में आपको जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो आगे जो है हम कोचेस वाइज इस ट्रेन का टिकट किराया जो है डिस्कस करेंगे। कोचेस वाइज अगर बात करें तो फर्स्ट AC का जो हावड़ा से कालका तक का जो टोटल किराया है वो है 4550 रुपये, जिसमें 4198 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है। सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपये है। GST चार्ज 217 रुपये है। टोटल किराया 4550 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो टोटल किराया है वो है 2675 रुपये, जो कि हावड़ा से कालका तक का बता रहा हूँ, जिसमें 2452 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 128 रुपये है। टोटल किराया 2675 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का हावड़ा से कालका तक का जो टोटल किराया है वो है 1860 रुपये, जिसमें 1686 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 90 रुपये है। टोटल किराया 1860 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो हावड़ा से कालका तक का जो नेताजी एक्सप्रेस का ट्रेन का किराया है वो है 710 रुपये, जिसमें 660 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। 30 रुपये सुपर फास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 710 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की अगर बात करें तो तकरीबन 3 जनरल डिब्बे हैं, जिसमें अगर आपने जाना है तो लगभग किराया जो है 450 रुपये के करीब है हावड़ा जंक्शन से कालका रेलवे स्टेशन तक का बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली चार्जेस जो हैं ये देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे हावड़ा जंक्शन से कालका रेलवे स्टेशन तक चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस या कालका मेल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। नेताजी एक्सप्रेस या कालका मेल ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल से हर रोज़ रात को 9:55 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और तकरीबन 29 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है कालका हरियाणा में पहुँचती है। इसके तकरीबन 38 स्टेशंस हैं और 1714 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है बर्धमान जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:03 पर पहुँचती है और 11:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 94 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, और यहाँ पर सिलचर कोयम्बटूर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्गापुर में पहुँचती है रात के 12:01 और 12:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 158 किलोमीटर के करीब यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। आसनसोल जंक्शन, जो कि पश्चिम बंगाल का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 12:32 पे पहुँचती है और 12:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। धनबाद जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है रात के 1:45 पे पहुँचती है और 1:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोमो जंक्शन या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, गोमो जंक्शन में रात के 2:05
29 मिनट पर पहुँचती है और 2:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन झारखंड में ट्रेन जो है रात के 2:40 के करीब पहुँचती है और 2:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पारसनाथ के बाद ये ट्रेन जो है हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर रात के 3 बजे पहुँचती है और 3:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 333 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कोडरमा जंक्शन झारखंड में पहुंचती है, जो कि झारखंड का आखिरी स्टेशन है। यहां पर रात के 3:31 पर पहुंचती है और 3:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गया जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 5:05 पर पहुंचती है और 5:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। देहरी ऑन सोने में सुबह 6:07 पर पहुंचती है और 6:09 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है DOS। इसके बाद ये ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन बिहार में पहुंचती है सुबह 6:20 पर और 6:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 561 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कालका मेल या नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भापुआ रोड, जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 6:53 पर पहुँचती है और 6:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है BBU। इसके बाद नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 663 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है DDU, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का। इसके बाद ये ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। मिर्ज़ापुर में ये ट्रेन जो है सुबह 9:08 पर पहुँचती है और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मिर्ज़ापुर के बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 10:40 पर और 10:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कालका मेल या नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो फतेहपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:10 पर पहुँचती है और 12:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:30 पर पहुंचती है और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फाफूंद उत्तर प्रदेश में दोपहर के 2:40 पर पहुंचती है और 2:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इटावा जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:28 पर पहुंचती है और 3:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1150 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। शिकोहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 4:10 पर पहुँचती है और 4:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1205 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन जो है शाम के 4:30 पर पहुँचती है और 4:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। टुंडला जंक्शन में शाम के 5:05 पर पहुँचती है और 5:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1242 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन जो है हावड़ा से टुंडला तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अलीगढ़ जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:05 पर पहुंचती है और 6:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खुर्जा जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 पर पहुँचती है और 6:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 7:53 पर पहुंचती है और 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन या ओल्ड दिल्ली जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:50 पर पहुँचती है और 8:09:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है।
20 मिनट का स्टॉप है, 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। रानीखेत एक एक्सप्रेस और ऊंचाहरा एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। सब्जी मंडी दिल्ली में ये ट्रेन जो है रात के 9:24 पे पहुँचती है और 9:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सोनीपत जंक्शन हरियाणा में ये ट्रेन जो है पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:55 पे पहुँचती है और 9:57 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गन्नौर रेलवे स्टेशन हरियाणा में रात के 10:10 पे पहुँचती है और 10:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है GNU। गन्नौर के बाद नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है या कालका मेल ट्रेन जो है समालखा रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, जो कि हरियाणा का स्टेशन है। यहाँ पर रात के 10:23 पे पहुंचती है और 10:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पानीपत जंक्शन हरियाणा में रात के 10:38 पे पहुँचती है और 10:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद करनाल रेलवे स्टेशन पे रात के 11:04 पे पहुँचती है और 11:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1568 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। करनाल का स्टेशन कोड है KUN। इसके बाद कुरुक्षेत्र जंक्शन पर ये ट्रेन जो है रात के 11:29 पे पहुंचती है और 11:31 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हरियाणा के अम्बाला कैंट जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 12:45 पे पहुंचती है और 12:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर पूजा एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर दिल्ली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद कालका मेल ट्रेन या नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चंडीगढ़ जंक्शन में पहुँचती है रात के 1:35 पे और 2:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 50 मिनट का स्टॉप है और कुछ कोच जो है डी अटैच किए जाते हैं यहाँ पर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 1707 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पे नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चंडी मंदिर हरियाणा में पहुंचती है रात के 2:38 पे और 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन या कालका मेल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन पे रात के 3 बजे पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 1744 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।